अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। एयर इंडिया की महिला पायलटों की टीम ने दुनिया की सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भर कर नया इतिहास रच दिया है। ये महिलाएं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बेंगलुरु पहुंची हैं। 16,000 किलोमीटर के इस सफर को टीम की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल ने लीड किया है। वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये महिला पायलट भारत पहुंची तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस सफर को लीड कर रही महिला पायलट जोया वही पायलट हैं जिन्होंने साल 2013 में बोइंग 777 विमान उड़ाया था और इस विमान को उड़ाने वाली जोया सबसे युवा पायलट थी। बता दें कि एयर इंडिया और भारत में किसी भी एयरलाइन की ओर संचालित होने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी कमर्शियल फ्लाइट है और साथ ही एयर इंडिया में किसी फ्लाइट के मुकाबले महिला कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको लेकर कहा कि एयर इंडिया की महिला शक्ति दुनिया भर में परचम लहरा रही है। फ्रॉम फ्लाइंग फ्रॉम टू डायमेट्रिकली पॉइंट्स ऑन द ग्लोब व्हिच इज सैन फ्रांसिस्को टू बेंगलुरु, इफ यू सी द ग्लोब दे आर ऑन टू एग्जैक्ट डायमेट्रिक पॉइंट्स। सो टुडे इज द वर्ल्ड, टुडे इज द डे वी क्रिएट वर्ल्ड हिस्ट्री by not only flying the route over the North Pole, by having all women pilots who successfully did it, and it is also amongst one of the world's longest flights. So we are extremely happy and proud to be part of it, and we are extremely thrilled that our government, our airline has instilled this trust in us, and we all did it together as a team. Air India has the most number, the maximum number of lady pilots in this world, so I don't think they should think like that. They are very safe with us when they fly, whatever distance, wherever they go. It was quite an exciting experience since, you know, it's never been done before. So there's a lot of hard work that's gone into the flight. Actually, we have been preparing for it and the entire team of Air India has put in a lot of effort to put this together. But it was quite an exciting experience, I think, for all of us. Air India has always been working to get our passengers back home as safely as possible and obviously as soon as possible too. How much fuel do you think is saved? See, we save right from 2,000 kgs to about 10,000 kgs on this routing. This is a special routing which we're trying to do over the polar region, as close to the North Pole as possible. And today, that's what we did.